रामलीला के मंचन को लेकर मेरठ कैंट छावनी में भव्य रूप से तैयारियां की जा रही हैं। वैशाली मैदान में भव्य रूप से जहां रामलीला का मंचन होगा, वहीं दूसरी ओर भगवान श्री राम की बरात को लेकर भी भव्य रूप से तैयारियां की जा रही हैं। 28 सितंबर को निकलने वाली भगवान श्री राम बरात में भव्य रूप से विदेशी फूलों से सजावट की जाएगी। इसी के साथ ही सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र भगवान हनुमान जी का 9 फीट का डोला रहेगा, जिसमें हनुमान जी विराजमान रहेंगे। इसी के साथ साथ जहाँ जहाँ से ये शोभा यात्रा होकर गुजरेगी, वहाँ पर भव्य रूप से सजावट भी की जाएगी। आज जो आपके द्वारा पीसी बुलाई गई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या? सर, आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आज हम अपना जो हमने फोल्डर बनाया है, इसकी हम अनावरण करें और तथा हम सब लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि राम बारात 2 साल के कोरोना काल के बाद निकाली जा रही है। तो हम सब लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हम कोरोना काल को प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए इस श्री राम बारात 2022 महाआयोजन का हमने तैयारी करी है। इस तरीके से राम बारात निकलेगी, क्या भव्य होगा? सर, राम बारात 2022 28 सितंबर को निकलेगी, वह मुख्य बाजारों से निकलेगी। इसका मुख्य आकर्षण विश्व प्रसिद्ध जिया बैंड, मास्टर बैंड तथा जो मेन डोला होगा, जिसमें भगवान श्री राम व तीन उनके बंधु साथ चलेंगे, वह विश्व प्रसिद्ध सुगंधित फूलों से सजावट होगी। कलाकार जी, इसमें जो कलाकार आएंगे, क्या वो भी प्रतिभाग करेंगे? हाँ जी, इसमें श्री राम और श्री लक्ष्मण का जो कलाकार आएगी, रामलीला कमेटी आएगी, उसमें से ही वो स्वरूप तैयार होंगे। अगर हम मेरठ की बात करें तो मेरठ तो रावण की ससुराल भी कहा जाता है, तो रावण की ससुराल में राम बारात करके आप कितने तरीके से भव्य आएंगे? इतना भव्य तरीके से होगा कि जो अब तक हुए हैं, 2 साल से कोरोना था, उससे पहले भी हुए हैं, लेकिन उन सबसे इतना बढ़ चढ़ के काम होगा कि लोग भाव को एक नया स्वरूप देखने को मिलेगा राम बारात का, कि राम बारात में क्या नया। एक 9 फुट के हमारे हनुमान जी का डोला होगा, जो एक बिल्कुल मेरठ में पहली बार होगा, और बैंड झांकी और लोग भावों का सहयोग इतना मिलेगा कि एक भव्य आयोजन होगा। क्या खास और क्या खास रहेगा राम बारात में? इस भव्य श्री राम बारात के आयोजन में, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव 75 वर्ष में महोत्सव मनाया है, उसी को आगे सुचारू रूप से चलाते हुए अमृत महोत्सव में बाजारों में, सभी मुख्य बाजारों में और चौराहों पर फूलों की, गुब्बारों की सजावट होगी। सभी बाजारों में जय श्री राम के भगवा झंडे लगाए जाएंगे। हर डोले और हर बैंड पे आपको 75वें आज़ादी के महोत्सव की शुभकामनाओं के बैनर पोस्टर दिखाई देंगे। न्यूज 18 मेड से विशाल पटनागर की रिपोर्ट।